फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। यूपी के संभल जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शादी की खुशियां पल भर में मातम में तब्दील हो गई। शादी के बाद विदा होकर कार से ससुराल जा रही दुल्हन की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूल्हा समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए हेयर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं दुल्हन की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बताते चले, सड़क हादसे में दुल्हन की मौत का पूरा मामला संभल जिले के भजोई थाना क्षेत्र के आगरा मुरादाबाद हाईवे मार्ग का है। बता दें कि चंदोसी स्थित खुर्जा गेट चुन्नी निवासी महेंद्र सिंह की 20 वर्षीय पुत्री शिवानी का विवाह अनूप शहर के गांव हिंसा बट्टी निवासी मनोज के साथ संपन्न हुआ था। आज सुबह दूल्हा चंदौसी से नवविवाहित शिवानी को विदा कर कार से बुलंदशहर लौट रहा था। बताते हैं कि तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिस पर आसपास के लोग सहायता को पहुंचे और घायलों को कार से बाहर निकाला, लेकिन नवविवाहित शिवानी की मौके पर ही मौत हो गई थी। दुल्हन की मौत से शादी की खुशियां गम में बदल गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि दूल्हा समेत 5 अन्य घायलों को बजोई स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल 15 तारीख को चुन्नीगंज मोहल्ले में अनूप शहर से बारात आई थी, और ये मनोज जो दुल्हा था हिसावरी के रहने वाले हैं। शादी के बाद आज ये बारात सुबह विदा हुई है, और विदा होने के बाद ये चंदौसी और भजोई रोड पे इनका पेड़ से एक बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं, और जो दुल्हन थी वो घटनास्थल पे ही उसकी मौत हो गई है। इस सूचना मिलने पर तत्काल भजोई थाने के इंस्पेक्टर रविंदर सिंह और उनके हमराही पहुँचे हैं, और इन्होंने बहुत मेहनत करके और गाँववासियों के सहयोग से पेड़ को काट के और गाड़ी को शीशा और उसका दरवाज़ा तोड़ के उन्होंने गाड़ी को निकाला है, और चारों घायलों को तुरंत तत्काल उन्होंने बेहतर इलाज के लिए अनेक जगहों पे रवाना कर दिया, और मृतक की लाश को CHC भजोई लाया गया और तथा उसको PM के लिए भेजा जा रहा है। गाड़ी में कुल कितने लोग थे? कुल 5 लोग। दुर्घटना के किस वजह से दुर्घटना की उस ये प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ड्राइवर बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा था, और भी कुछ लोगों ने जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि गाड़ी बहुत स्पीड में चल रही थी, इसी कारण ये अनियंत्रित होकर दुर्घटना हो गई। आज के इस खबर में बस इतना ही, तब तक बने रहिए फर्स्ट बाइट TV के साथ।